बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भिंडी खाना कैसा है और भिंडी खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं और वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो भिंडी खाने के बाद नहीं खानी चाहिए। अगर आप भिंडी खाने के बाद ये दो चीज़ें खाते हैं तो आपको ये नुकसान पहुँचा सकता है और आपके मौत का सबब भी बन सकता है। तो दोस्तों, वो दो चीज़ें कौन कौन सी है हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, आपकी ये गलती आपकी जान ले सकती है, जिंदगी और मौत का सवाल है, तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा आखिर तक जरूर देखें। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे दोस्तों, सब्जियां, हरी सब्जियां अल्लाह पाक की नियामत होती है, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे देश हिंदुस्तान में तकरीबन सभी सब्जियां मिलती है और सब्जियों में तमाम गिजाई अज्जा, विटामिन, मदनियात और खास तौर पर फाइबर वगैरह मौजूद होते हैं। सब्जियां खाने से इंसान सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है। अच्छी सेहत के लिए फ्रेश और साफ पत्तों वाली सब्जी खानी चाहिए। इन्हीं सब्जियों में एक ऐसी सब्जी है जिसे हम भिंडी के नाम से जानते हैं। ये सब्जी अपने अंदर बहुत सारे फवायद और खूबियाँ लिए हुए है और इसका इस्तेमाल इंसान की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन याद रहे कि सब्जी के बारे में बहुत ही एहतियात बताई जाती है। दोस्तों, अगर आपने भिंडी खाने के बाद दो चीज़ें इस्तेमाल कर ली तो ये जानलेवा हो सकता है और हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी भी किस्म का खतरा मोल लेने से बेहतर है कि भिंडी खाने के बाद उन दो चीज़ों का इस्तेमाल हरगिज ना किया जाए। इससे पहले हम आपको उन चीज़ों के बारे में बताएंगे। आइए आपको बताते हैं भिंडी की गिजायत और फायदों के बारे में। याद रहे कि भिंडी हमारे रोजमर्रा जिंदगी में शामिल है, लेकिन सेहत के मामले में इसकी अहमियत अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। हालांकि ये भी अपनी जगह एक सेहत बख्श सब्जी है जिसके फायदों की लिस्ट बहुत ही लंबी है। इसमें से चंद मोटे मोटे फायदों से आपको आगाह किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आम सब्जी होने के बावजूद भी भिंडी में विटामिन और फाइबर बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जो बहुत सारी बीमारियां और खासकर गुर्दे की बीमारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। भिंडी में एक सलाहियत भी मौजूद होती है कि यह खून में सफर की मकदार को काबू में रखती है। सन 2011 में की गई एक रिसर्च से मालूम हुआ कि भिंडी इस्तेमाल करने की सूरत में खून की शुगर कम हो जाती है। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर के मुताबिक भिंडी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट कहलाने वाले मादे भी शामिल होते हैं, जो बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे जिस्म के निज़ाम को बेहतर बनाते हैं और गुर्दे की बीमारी से लड़ने के लिए भिंडी का बहुत ही अहम किरदार है। प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाने के साथ साथ भिंडी कोलेस्ट्रॉल में भी कमी लाती है, क्योंकि ये सेहतमंद फाइबर रेशों से भरपूर होती है। डॉक्टर्स का कहना है कि भिंडी में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन B1, B2, B3 और विटामिन सी के अलावा भी भिंडी में जिंक और कैल्शियम की मामूली मकदार भी मौजूद होती है, जो हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। भिंडी एक ऐसी सप्लीमेंट के नाम से है जो फाइबर और फॉलिक एसिड से भरपूर होते हैं, यानी वो चीज़ें जो हामिला यानी प्रेग्नेंट औरत के लिए ज़्यादा ज़रूरी करार दी जाती है, और ये सब चीज़ें भिंडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जैसे कि पहले भी ये जिक्र हुआ है कि भिंडी पोटेशियम और हुसूल का एक बेहतरीन जरिया है, जो खून के बहाव को ठीक करने वाला जज्ब है। इसी तरह भिंडी में मौजूद पोटेशियम इंसान के जोड़ों को भी रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और खून का बहाव ठीक रहता है। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि भिंडी में मौजूद फाइबर पेट को ज्यादा देर तक भरा रखता है, और डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि भिंडी विटामिन ए और दीगर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो कि बुढ़ापे में आँखों की कमजोरी दूर करने में मदद करते हैं। सन 2011 में किए गए एक रिसर्च से ये मालूम हुआ कि भिंडी के इस्तेमाल से दमे का खतरा खत्म हो जाता है। इस बुनियाद पर डॉक्टर्स का कहना है कि अगर रोजाना अपने खाने में थोड़ी सी भिंडी का भी इस्तेमाल कर ली जाए तो इससे दमे के मरीजों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये फायदे सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बल्कि जिनके बच्चों को दमा खांसी की शिकायत रहती है तो उन्हें भी भिंडी का इस्तेमाल कराया जाए तो बहुत जल्द उनको इसका फायदा मिलेगा और वो ठीक भी हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये चंद ऐसे फायदे हैं जो आपको भिंडी के इस्तेमाल से हासिल कर लेने चाहिए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि पहले भी हमने इसका जिक्र किया है
कि भिंडी का इस्तेमाल करने के बाद दो चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो याद रखे, वो दोनों चीजों का इस्तेमाल भिंडी खाने के फौरन बाद ना किया जाए। उनमें से पहली चीज है करेला और दूसरी चीज है मूली। डॉक्टर इन चीजों का भिंडी खाने के बाद इस्तेमाल करने से मना करते हैं। उनका कहना है कि भिंडी के बाद करेला हरगिज ना खाया जाए, क्योंकि इसकी वजह से पेट में जहर बन जाता है और ये जहर हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जरूरी है कि भिंडी खाने के फौरन बाद करेला खाने से बचा जाए। दोस्तों, दूसरी सब्जी जो भिंडी खाने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है, और वो है मूली। क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि भिंडी खाने के फौरन बाद मूली खाने से जिस्म पर सफेद दाग धब्बे पड़ने का अंदेशा हो सकता है, जिसे आम जबान में हम सफेद दाग भी कहते हैं। और ये मछली खाकर दूध पीने से भी हो जाता है, और कभी कभी मछली के साथ दही का इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। बाज मरतबा ये धब्बे हल्के निकलते हैं और बाज मरतबा बहुत तेज निकलते हैं, और ये उस वक्त तक खत्म नहीं होते जब तक उनका सही और लंबा इलाज ना कराया जाए। और बाज मरतबा तो ये इलाज कराने के बावजूद भी खत्म नहीं होते हैं। तो क्यों ना पहले ही एहतियात से काम लिया जाए, ताकि इस बात की नौबत ना आए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि एहतियात इलाज से बेहतर है, क्योंकि एक मरतबा सेहत को जो नुकसान पहुंच जाता है तो उसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें अपने खानों में एहतियात से काम लेना चाहिए और अपनी सेहत का खास ख्याल रखा जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप भिंडी खाने के बाद करेला और मूली का इस्तेमाल करके देख चुके हैं, तो हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपके बॉडी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है कि आपका बॉडी भिंडी खाने के बाद करेला और मूली का इस्तेमाल सह पाता है या नहीं। अब दोस्तों, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ये मत कहना कि हमने तो भिंडी खाने के बाद करेला और मूली का इस्तेमाल किया है, लेकिन हमें तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये आपके बॉडी इम्यूनिटी यानी आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर डिपेंड करता है। तो प्यारे दोस्तों, हमने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको बात समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।